गुड इवनिंग सभी को। संध्या आंटी ने तो ऑलरेडी राज खोल दिया हमारे आज के सेशन का। चलो एनीवे लेट्स क्लोज आवर आईज। अपनी सांसों पे ध्यान, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन्वोक करेंगे हमारे सभी देवी देवताओं को। हमारे सभी मास्टर्स और गुरुज को, सभी एंजल्स, सभी आर्कएंजल्स को, खुद को पाएंगे एक बहुत ही सॉफ्ट पिंक बबल ऑफ लाइट के अंदर। ये लाइट का बबल हमें रिलैक्स करता हुआ, हमें फ्रेश करता हुआ, हम सबको आज इस मोमेंट में अलाइन करता हुआ। हम सभी को तैयार करता हुआ आज के टॉपिक के लिए। ओपनिंग आवर आईज, ओपनिंग आवर हार्ट। ओपनिंग आवर माइंड्स। We surrender to the divine and we open ourselves fully to receive their love. And we are ready for today's session. अपनी सांसों के माध्यम से फिर लौटेंगे अपनी बॉडीज में। एक डीप एक्सहेलेशन के साथ वी में ओपन आर आईज। आई होप सभी वापस लौट चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एज ऑफ लव। तो इससे हम क्या समझना चाहेंगे? इससे सर हमें बताना चाहते हैं कि लव की कोई एज नहीं होती। जैसे एट द स्टार्ट ऑफ सेशन संध्या आंटी ने सबको बता दिया वैसे ही। सो लव की कोई एज नहीं होती। इसका मतलब क्या? ना तो लव देने की कोई एज होती है, ना तो लव लेने की कोई एज होती है।
जब हम हमारी मॉम के वूम में जस्ट आए होते हैं, या अभी तो आए भी नहीं होते, तभी से हमारी मॉम, हमारे पेरेंट्स कितना ब्लेस कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर चाइल्ड को, कि कोई डिवाइन सोल हमारे पास आए, हमारे जीवन में और खुशियां भर दे, हम भी उसका जीवन खुशियों से भर दे। तो वहीं से लव स्टार्ट हो जाता है। अब तो हमने बर्थ भी नहीं लिया, तब से स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे हम बर्थ लेते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होकर 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 जब बूढ़े होते हैं, तब भी हमारे बच्चे हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें कितना केयर देते हैं, लव देते हैं। तो हर एज में हमें लव मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। उसी तरह अभी तो हमने बर्थ भी नहीं लिया, हम तो अपनी मॉम के वूम में है, तभी से हम अपनी माँ के लिए कितना प्यार महसूस करते हैं, तभी से हम अपनी माँ को कितना ब्लेस करते हैं। माँ के साथ साथ हम जिनकी भी आवाजें सुनते हैं, जिनकी भी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती है, उन सभी को भी तो हम कितनी सारी ब्लेसिंग्स वहीं से भेजते रहते हैं, वहीं से उनका लव रिसीव कर हम भी उनको टच करने के लिए, उनको वो लव वापस लौटाने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब हम बर्थ लेते हैं तो हमें पता है एक बच्चे का जॉय, एक बच्चे की स्माइल कितनी ब्यूटीफुल, कितनी लविंग, कितनी पीसफुल होती है। एक बच्चा जब एक फूल भी तोड़ता है तो वो भी कितने प्यार से तोड़ता है, अपने हाथ में कितने प्यार से पकड़ता है वो फूल, वो बटरफ्लाइज जो पकड़ता है, बर्ड्स को पकड़ता है, जो भी वो नेचर को जितना भी एक्सप्लोर करता है, वो कितने सारे लव के साथ एक्सप्लोर करता है। फिर ये बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है, इसको पूछा जाता है कि बेटा तुम क्या बनोगे, तो बच्चे क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सभी की मदद करूंगा। तो वो जो एक बेसिक सभी के अंदर, हर बच्चे के अंदर ये भावना रहती है कि सबकी मदद करनी है, तो इतनी छोटी एज में भी उसको सभी लोगों से प्यार है। वो किसी से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो किसी से भी कंडीशंस नहीं रखता। हाँ, अगर उसे कोई मारता है, डांटता है, तो वो रो जरूर देता है, पर उसके दिल में वही प्योर लव रहता है। तो पिछली बार जैसे हमने बात की थी कि हम अनकंडीशनल होकर सभी से प्यार करेंगे, तो सर ने बताया कि आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, उसी का एक्सटेंशन है। तो हम वैसे ही अनकंडीशनली, जैसे बचपन में सभी से करते थे, वैसे ही प्यार करते रहे, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, और हम फुल एक्सेप्टेंस में रहे। हम जो भी हमसे प्यार करता है, जिसे भी वे में, उनका जो भी तरीका है प्यार करने का, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। कोई लोग हमें प्यार देकर प्यार करते हैं, जैसे प्यार वाली बातें कर, या हमारे लिए सेवा कर, हमें प्यार करते हैं। और कोई लोग हमें तोड़कर प्यार करते हैं, वो तोड़ना भी तो हमारी ही ग्रोथ के लिए होता है। तो उस तोड़ना भी हम उतने ही प्यार से एक्सेप्ट करें, उतने ही लविंगली एक्सेप्ट करें, उतना ही उनको भी प्यार दे। अगर वो, जैसे गांधी जी बोलते हैं कि कोई हमें एक गाल पे लाफा मारे तो हम अपना दूसरा गाल उनके लिए आगे करें, तो वैसे ही फुल लव के साथ कोई अगर हमें तोड़ने भी आता है, तो वो भी हम टूटने के लिए रेडी रहे। भले मोमेंटरीली हम बिल्कुल बुरा महसूस करेंगे, पर उनसे जो वो टूटने से जो हमारी ग्रोथ होगी, वो लेसन्स लेकर हम जो इवॉल्व होंगे, वो भी तो उसमें उस इंसान के कितने बड़े हाथ होते, अगर वो नहीं आए होते तो कहाँ होती हमारी ये ग्रोथ। अगर किसी ने हर्ट नहीं किया होता, अगर हमारी ही हैबिट्स ने हमें हर्ट नहीं किया होता, तो हम कहाँ हीलिंग के पाथ पर आते, है ना। तो बस ऐसे ही हम अपने आप को लव करते रहे, दूसरों को लव करते रहे, अनकंडीशनली, अनएक्सपेक्ट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। यही आज का ब्यूटीफुल मैसेज है। सर ने एक और बात बताई कि जैसे जो हमारे सभी गुरु है, साईं बाबा है, महावतार बाबा जी है, आनंदमयी माँ है, ये लोग तो कितने पुराने हैं। चलो साईं बाबा, आनंदमयी माँ तो फिर भी अभी कुछ ही सेंचुरीज पहले, एक आध सेंचुरी पहले ही आए हुए थे, पर महावतार बाबा जी तो कितने पुराने हैं। वो कृष्ण के भी गुरु थे, सर ने बताया। तो अभी भी उनको लोग उतना ही प्यार करते हैं, चाहे जितना समय चला गया हो उनके जीवन के बाद,
अभी भी उनके लिए लोग उतने ही डिवोटेड है, अभी भी उनके लिए लोग भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, अपने दिल में उतना ही प्यार लेके चलते हैं। फिर ओशो, चाहे किसी ने भी कितना भी बुरा कहा, बुरा फैलाया, या कोई भी नेगेटिव घटनाएं उनकी लाइफ के अराउंड हुई, फिर भी जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो उनके जाने के बाद भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं, उनकी बताई हुई बातें उतनी ही अच्छे से फॉलो करते हैं। तो वैसे ही हम भी उनकी तरह अपने जीवन में खूब हीलिंग करें, खूब प्रैक्टिस करें, अपने आप को खुद इतना प्योर कर दे कि हम भी जब जाए तो लोग हमें बस प्यार से याद करें। कोई भी लोगों के दिल में ये भावना ना हो कि ये तो क्या हो गया, ये इंसान तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, चलो चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम भी लोगों को उतना ही प्यार दे, लोग भी हमें उतना ही प्यार से याद करें, जिसे इन सभी गुरु को करते हैं। और हम इस आज मैं एक और सर का टॉक सुन रही थी, उसमें सर ने बताया कि हम यहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम जो भी पार्टिकल्स छोड़ के जाते हैं वहाँ पे, और जितने भी लोग आते हैं उन सभी को वो पार्टिकल्स अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम कहीं गुस्से वाली भावनाएं छोड़ के गए, अगर हमें कई रेस्टोरेंट में ठीक से सर्विस नहीं मिली, हमें किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, तो अगर हम वहाँ पे गुस्से के पार्टिकल्स छोड़ के जाते हैं, तो हमारे बाद जो भी आएगा वो उन गुस्सों के पार्टिकल्स को ही पकड़ेगा, चाहे वो कितना भी सुंदर समय वहां पे बिताने आया हो। वो जो गुस्से के पार्टिकल्स हमने छोड़े वो उन लोगों को अफेक्ट करेंगे ही। तो ऐसे ही अगर हम वहीं कहीं जाते हैं, चाहे हमें जो भी अनुभव हुआ हो, अच्छा या बुरा, जो भी लेसन्स मिले हो, पर अगर हम लव के पार्टिकल्स छोड़ के जाते हैं, अगर हम ब्लेसिंग्स छोड़ के जाते हैं, तो वो जो हमारे बाद वहां पे फिजिकली जो लोग पहुंचने वाले होते हैं, या जो लोग हमारी जगह लेने वाले होते हैं, उनके पास भी वही लव पहुंचे, वही लव ब्लेसिंग्स, वही ब्लेसिंग्स पहुंचे, और वही लव और ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो, और वो भी दूसरे लोगों को वही लव और ब्लेसिंग्स फैला कर जाए। यही हमारे लाइफ का एम रहना चाहिए, यही मोमेंट टू मोमेंट हमें ध्यान रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि हम कहीं भी जाए हम इतना अवेयर रहे कि चाहे हमारे साथ कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा हो, हमें कोई भी लेसन मिल रहा हो, हम उस मोमेंट में भी उन इंसानों के लिए, उन सिचुएशंस के लिए वही लव रिलीज करते रहे, वही लव उनको बहाते रहे, वही ब्लेसिंग्स उनको देते रहे। और सर ने बताया कि गुरु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोई गुरु होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, ऊपर उठाते हैं, प्यार देते हैं, और कभी कभी गुरु जो होते हैं वो हमें तोड़ते हैं, वो भी हमें लेसन सिखाते हैं, जो शिवा गुरु होते हैं। तो वो भी दोनों चीजें जो गुरु कर रहे हैं उनमें भी उनका प्यार ही छुपा है, वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए वो हमें तोड़ रहे होते हैं, या वो हमें ऑब्वियसली ये तो हमें दिखता ही है कि अगर हमें हमसे गुरु अच्छे शब्द कह रहे हैं, हमारे साथ अच्छे से रह रहे हैं, तो उसमें वो अपना प्यार ही शो कर रहे हैं। पर जब हमें गुरु तोड़ने आते हैं तब हमें अवेयरनेस छूट जाती है, तब हमें पता नहीं चलता कि इसमें भी गुरु का प्यार है, तब हम अच्छा बुरा बोल के उनसे फिर कनेक्शन तोड़ लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो ये तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु की तो माध्यम है जिनके थ्रू हम वो यूनिवर्सल लव से जुड़े होते हैं। गुरु गुरु के थ्रू ही तो वो लव हमारे तरफ पहुंचता रहता है कंटिन्यूअसली। तो अगर हमने उनके तोड़ने से, अगर हमने उनके कुछ कड़वे शब्दों से उनसे कनेक्शन तोड़ लिया, तो वो तो हमारा ही लॉस है। गुरु को तो बस, वो तो फिर भी हमें प्यार देते रहेंगे, अगर हमने उनको छोड़ भी दिया, हमने उनकी प्रैक्टिसेस छोड़ भी दी तो। वही हम हर कोई सिचुएशन में, चाहे वो इंसान हमें पसंद हो ना पसंद हो, सिचुएशन हमें पसंद हो ना पसंद हो, हम हर सिचुएशन में वही लव बने रहे, लव देते रहे और लव लेते रहे, हर किसी इंसान जो भी कोई डीड हमारे साथ कर रहा है, क्योंकि हम बॉडीज लेके आए हैं तो हम कर्म तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ कार्य तो करेंगे ही, तो कार्य के दोनों परिणाम आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो मैटर करता है हमारा इंटेंशन, कि हम पीछे क्या भाव रख के उस कार्य को कर रहे हैं। अगर हम प्यार से भी
किसी का मोमेंटरीली हमसे कुछ गलत हो गया, पर अगर हमारे अंदर उनके लिए प्यार ही है तो हमें तुरंत उस मोमेंट के बाद याद आएगा, हम तुरंत मन ही मन या बोलकर उनसे फॉरगिवनेस सीख कर लेंगे, वहीं का वहीं वो जो नेगेटिव क्रिएट हुआ उसको वापस न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो हम ऐसे ही लव बहाते रहे, अवेयरनेस में रहे और ऐसी हर प्रैक्टिस करते रहे जो हमारे अंदर लव बढ़ाती है। जैसे जो भी लोग काफी टाइम से सर के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने प्रैक्टिसेस सीखी है हीलिंग की, उनको पता है वो जो प्रैक्टिसेस स्टार्ट करने से पहले हम जो इंसान थे और अब हम जो इंसान है, कितना अंतर है उनके बीच, कितना सारा लव और कंपैशन हमारे अंदर से भी अनकंडीशनली फ्लो होता रहता है, हमें भी नहीं पता होता। तो बस कोई छोटे मोटे कारण की वजह से हम अपनी प्रैक्टिस को छोड़े नहीं, पकड़ के रखे, कंटिन्यू रखे, और ऐसे ही हमारे अंदर जो भी और जितने भी पार्टिकल्स बचे हैं जिनसे अभी भी लव की जगह कोई बदबू निकलती है, गुस्सा निकलता है, जो भी जेलसी, इरिटेशन, जो भी पार्टिकल्स ऐसे बचे हैं अभी भी जो ऐसे सब भावनाएं छोड़ते रहते हैं, उनको धीरे धीरे कर निकालते रहे, हील करते रहे और ज्यादा से ज्यादा लव बनते जाए, कंपैशन बनते जाए। तो यही आज हम मेडिटेशन में भी इंटेंशन डालेंगे कि अब से हमने इससे पहले भी जितने भी कर्म किए जिसमें हमारे इंटेंशन लव नहीं था, उन सभी के लिए हम फॉरगिवनेस सीख करेंगे, उन सभी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को हम न्यूट्रलाइज करेंगे, ब्लेस करेंगे उन सभी सोल्स को जिन्होंने ऐसा कुछ हमारे साथ किया, और हम हमारी फ्यूचर लाइफ के लिए इंटेंशन डालेंगे कि हम ऐसे ही लविंग बने रहे, अनकंडीशनली सभी को प्यार देते रहे, सेवा करते रहे। ऑलराइट, सो लेट्स क्लोज आवर आईज एंड लेट्स बिगिन आवर मेडिटेशन। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। वापस अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर। ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीद इन Breathe out. Breathe in. Breathe out. हर सांस के साथ महसूस करें अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में सेंटर होता हुआ। हमारा सारा टेंशन, सारी एनर्जी इस प्रेजेंट मोमेंट में बहती हुई। फिर से खुद को महसूस करें उस पिंक बबल ऑफ लाइट में। ये सॉफ्ट सी पिंक लाइट हमें खूब सारा ब्लेस करती हुई हमें खूब सारा हील करती हुई हमें प्रोटेक्ट करती हुई और हमें मदद करती हुई
खुद के ही अंदर उतरने की। हमारे अंदर जो गॉड है उनसे कनेक्ट होने की। फिर से याद करेंगे हमारे सारे गॉड और नेसेस को। श्री कृष्ण को, माँ अम्बा को, याद करेंगे हमारे सारे गुरुओं को, सभी मास्टर्स को, साईं, जीसस, मदर कोनियन, बाबा जी, आनंद महिमा, वो करेंगे सभी एंजल्स, सभी आर्क एंजल्स को, और सभी से प्रार्थना करेंगे ये आज हमारे अंदर से जितने भी पार्टिकल्स अभी भी बचे हैं, जो लव रेडिएट नहीं करते, वो सब हम आज रिलीज करने के लिए, हील करने के लिए तैयार हैं। कृपया हमें और खाली कर, हमारे थ्रू और अपना लव बहाते रहे, बहाते रहे। हम जहां भी जाए, जिससे भी मिले, हमसे केवल लव के पार्टिकल्स निकले, हमारे जैसी हजारों लाखों ब्यूटीफुल सोल्स जो ऐसे ही लव और ब्लेसिंग्स बहाती रहती हैं, उन सभी को मदद मिले इस काम को और आगे बढ़ाने में। याद करें
ऐसे हर अनजान व्यक्ति को जिसके पास नोइंगली अननोइंगली हमने नेगेटिव पार्टिकल्स छोड़े हैं। चाहे वो हमारी ऑफिस से है या ऐसे कोई जिनकी सर्विस हमने कभी ली हो, और बहुत सारे सिंबल्स डालते हुए इन सभी लोगों से हम माफी मांगेंगे। We are so sorry कि हमने आपके पास लव के सिवाय कुछ भी छोड़ा। हम आज इतनी सारी पिंक लाइट, इतने सारे सिंबल्स आपके पास छोड़ते हैं, बहुत सारा लव आपके पास छोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं या आप हमें माफ कर दे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू and I thank you उन्होंने हमें जो भी अनुभव दिया उनके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। कि उनको भी हमारी तरह कोई गुरु मिले जो उनको भी हमेशा प्रेरणा दे कि वो लव की ओर चलते रहे। उन सभी के चेहरे हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हम ऐसी जितनी भी सोल से मिलेंगे हम यही प्यार, यही ब्लेसिंग्स उनके साथ बांटते फिरेंगे। उन सभी के अंदर हमारे जो भगवान बैठे हैं
उनको नमन करती जाएंगी। और इस दुनिया को और लविंग बनाती जाएंगी। याद करेंगे हम हमारे सभी फैमिली मेंबर्स को, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, हमारे भाई बहनों को, हमारे पार्टनर को, और ऐसे हर पार्टिकल को सरफेस पे आने देंगे जिनमें इनके लिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स हो, नेगेटिव इमोशंस हो। अगर हम किसी से रूठे हुए हैं, कोई भी छोटी से छोटी बात की वजह से, उसको सरफेस पे आने दे, याद करे, अगर हम में गिल्ट है ऐसे कोई भी इंसिडेंट का जिसमें हमने उनको कुछ गलत कहा, कुछ गलत किया, सरफेस पे लाए ऐसी हर बात को, हमने जितना भी कोसा हमारे परिवारजनों को, उन सभी मोमेंट्स को सरफेस पे लाए जिनमें कर्मों के थ्रू हमारी फैमिली ने हमें तोड़ा, सभी मोमेंट्स को सरफेस पे लाए। जब जब भी हमें लगा कि हमारा परिवार हमें समझता ही नहीं, ऐसी हर भावना को सरफेस पे लाए, याद करें। अगर हमारे परिवार ने हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ने को कहा, तो उन भी पार्टिकल्स को सरफेस पे लाएं।
रिट्रीट्स में जाने के लिए मना किया, उनको भी सरफेस पे ला। ये जितने भी रूपों में हमारे परिवार ने हमें तोड़ा, इन पे बहुत सारी पिंक लाइट, बहुत सारे सिंबल्स, हमें जितना भी हर्ट हुआ इन सभी वजह से, वो सभी हर्ट रिलीज हो रहा हमारे अंदर से इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स। इन द फॉर्म ऑफ क्राइस। ऐसे हर पार्टिकल जो अभी भी हमारे अंदर है, जिसमें कुछ भी नेगेटिव भरा हो, वो सब रिलीज होता हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस इमेंस पिंक लाइट, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सिंबल्स, क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग इच्छा है लव बनने की। हम ऐसी सारी चीजों को अपने अंदर से रिलीज करते हुए ऐसी सभी घटनाओं के लिए माफ करते हुए, माफी मांगते हुए, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन लाइट, डिवाइन सिंबल्स, हमारे गुरु हमें और मदद करते हुए ऐसी हर बात रिलीज करने में, हमारे गुरु हमें खाली करते हुए हमारे सिर के ऊपर हाथ फेर, हमारे बैक के ऊपर हाथ फेर, हमारा हाथ पकड़कर मदद करते हुए सभी से माफी मांगने की और सभी को माफ करने की। और अब हमारे दिल में केवल लव बचा है, प्योर अनकंडीशनल लव, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, जितनी भी कंडीशंस थी, ये सब रिलीज हो रही गुरु के आशीर्वाद से। जितनी भी अनफुलफिल डिजायर्स का इरिटेशन था, फ्रस्ट्रेशन था, वो सब रिलीज होता हुआ गुरु के प्यार से,
जितनी भी कंपैरिजन की भावना थी, जेलसी थी, हेट्रेड था, वो सब रिलीज, खाली हो चुके हम। और इस खाली स्वरूप में हमसे केवल लव बहता हुआ, केवल अब जब भी जैसे भी फॉर्म में जैसे भी इंसिडेंट के थ्रू हमारी ब्रेकिंग होगी, हमारी अवेयरनेस हमेशा हमारे साथ रहेगी एंड वी विल स्टिल लविंगली एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, लविंगली एक्सेप्ट दैट पर्सन। और हमारे मुख से केवल तीन शब्द निकलेंगे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हर मोमेंट में हमारे अंदर से प्योर लव की लाइट बहती रहेगी, सिंबल्स बहते रहेंगे, मन में चैंट होते रहेंगे, पर ये सारी पॉजिटिविटी हमारे परिवार में सभी की मदद करेगी, कोई हमें ताना भी मारे हम कहेंगे गॉड ब्लेस यू, कोई हमसे हमारी डिजायर्ड चीज छीन ले हम कहेंगे गॉड ब्लेस यू। कोई हमें प्यार दे तो उस प्यार से भी अटैच ना होकर हम कहेंगे गॉड ब्लेस यू। कोई हमारी बात ना सुने हम उनसे कहेंगे गॉड ब्लेस यू। किसी के जो भी लेसन चल रहे हो हम उन्हें देख पा रहे हो गलत रास्ते पे चलता हुआ, फिर भी हम इसी प्यार को जगाए रख उनके लिए
यही कहेंगे। गॉड ब्लेस यू। और अब अपना ध्यान खुद की ओर हम भी अपने आप को जो कड़वी बातें बोलते हैं खुद के लिए जो कड़वे शब्द यूज करते हैं खुदी के लिए जो कड़वी सिचुएशंस खड़ी करते हैं सभी के लिए खुद से माफी मांगेंगे। जब जब भी हमारी अवेयरनेस गिरी प्रैक्टिस छूटी उन सब के लिए खुद से माफी मांगेंगे और खुद को फॉरगिव करेंगे। जिन भी गुरु को हमने अच्छे बुरे शब्द कहे उन सभी से माफी मांगेंगे। हमने उनकी जो पोलैरिटीज देखकर उनसे कनेक्शन तोड़ लिया हो उन सभी पोलैरिटीज हमारे अंदर से भी रिलीज करेंगे। वो पोलैरिटीज का अनएक्सेप्टेंस हमें तब महसूस होता है जब हम खुद के ही उन पार्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं करते होते। एक्नॉलेज कीजिए ऐसी हर भावना को अपने अंदर और रिलीज कीजिए। माफी मांगेंगे फिर से हमारे गुरुओं से कि हमने कुछ चंद पोलैरिटीज की वजह से उनसे कनेक्शन तोड़ दिया। पूरे हृदय से वापस उनको इन्वोक कर अपनी लाइफ में बुलाएंगे। फिर से उनसे सीखी हुई सभी साधनाओं का सम्मान कर उनसे सीखी हर बात हर विस्डम का सम्मान कर उन्हें अपनी लाइफ में उतारेंगे।
और खुद को और शुद्ध और प्योर करते जाएंगे। हमारी हर ब्रेथ के साथ जुड़ा होगा भगवान का नाम, सिंबल्स, और हर हर लिविंग मोमेंट लव रिलीज करते रहेंगे। लव बने रहेंगे, एक छोटे बच्चे की तरह जिसकी आंखों में, जिसके हृदय में, जिसके हाथों में केवल प्यार ही प्यार है। महसूस करे ये प्यार अपने अंदर और बढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ। और इस प्यार की रोशनी में हर मोमेंट जितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो बर्न होते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर हमेशा चलता रहेगा। हमेशा हम इस प्यार की आग में जलते हुए लोगों तक प्यार पहुंचाते हुए साईं की तरह, जीसस की तरह मरने के बाद भी सभी को ब्लेस करते रहेंगे। हमारे अंदर के साई, हमारे अंदर के जीसस अब फुल्ली एक्टिवेट है। अब चाहे हमें कोई फूल चढ़ाए या पत्थर मारे, हम उनको प्यार से कहेंगे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
बहुत सारा धन्यवाद दे अपनी सभी कनेक्टेड सोल्स को, अपने सभी एंसेस्टर्स, सभी फैमिली मेंबर्स को। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दे अपने सभी गुरुओं को, सभी मास्टर्स को। थैंक यू कहे अपने सभी गॉड्स को, सभी गॉडेसेस को। थैंक यू कहे ऐसी हर डिवाइन एनर्जी को जो आज आपके साथ थी। और बहुत सारा थैंक यू कहे खुद को, खुद के अंदर से बहते हुए इस प्यार को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना ध्यान फिर अपनी सांसों की ओर। अपनी उठती बैठती हुई छाती की ओर। अपने हाथों की ओर, पैरों की ओर। Whenever you're ready, move your fingers, your toes and very gently open your eyes. सोनाली, अभी तो आपको हग करने को बड़ा मन कर रहा है। फील लाइक टू हग यू। यू आर लुकिंग सो क्यूट, इतनी अरे इतनी प्यारी और इतनी प्यारी होकर और प्यार का ही कर रही थी, तो आई डोंट नो, मुझे तो कुछ सुनना ही नहीं दे रहा था। बस आई वाज लुकिंग एट यू ओनली, आई वाज लॉस्ट इन यू ओनली। सच स्वीट यू आर। अरे ऐसा लगता है इस उम्र में आप लोग इतने डिवाइन है कि तो कहाँ से छूट के आए हो कि बस थोड़ा सा चिराग की जरूरत है। सर कहाँ से ढूंढ लिया है? सर को आपने वही ढूंढा है सच्ची। वो सोच सोच के मैं यही सोच रही थी, मेरे सारा टाइम मेरा इसी में ध्यान था खाली। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि बस ऐसा लग रहा है, फील लाइक टू बिलीव मी, ऐसा लग रहा था सामने ऐसे करके हग कर दे। आंटी कर दो। थैंक यू, बिल्कुल सो स्वीट ऑफ यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। और बहुत मजा आया, रियली मजा आ गया। ऐसा लग रहा था वाकई प्यार उभर रहा है। थैंक यू, ये थैंक यू थैंक आंटी। यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, ऐसा अच्छा सी। थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच आज इस प्यार के सफर में जुड़ने के लिए। ऐसे ही हम प्यार में बने रहे, प्यार हमसे बहता रहे, यही हम प्रार्थना करेंगे सर को, साईं को। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।